यारा सॉरी फॉर टचिंग आवर बलूचिस्तान ट्रिप। तुझे तो पता है मेरी तैयारी पूरी थी, पर मैंने अभी ऑफिस वालों से बात की है तो वो कह रहे हैं कि अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। इंशाल्लाह आप जो भी नेक्स्ट ट्रिप हुआ उस पर जरूर जाएंगे। यार उम्र स्किरदू का प्लान मिस लग रहा है, मेरे वाइफ की फैमिली विजिट कर रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पे जरूर आएंगे। दुनिया में दो तरह के ट्रैवलर्स होते हैं, एक जो सोलो ट्रैवल करना पसंद करते हैं और दूसरे जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं। मुझे स्कूल ट्रिप से ही दोस्तों के साथ ट्रैवल करने की आदत हो चुकी थी और इसलिए मैं हर ट्रिप के लिए अपने दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस मरी ट्रिप को 10 साल हो चुके हैं एंड सिंस देन मेरे दोस्तों की नौकरियां हैं, सम ऑफ देम आर मैरिड और कुछ तो पाकिस्तान में ही नहीं रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ दोस्तों को कन्विंस करना एक रोड ट्रिप के लिए हैज़ बिकम फेयरली डिफिकल्ट। बट आफ्टर अ लॉट ऑफ कॉल्स एंड प्लानिंग मी एंड माई फ्रेंड्स डिसाइडेड कि इस साल वी ट्राई टू गो ऑन एज मैनी ट्रिप्स एज पॉसिबल स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन मालम जबा। इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है एंड फॉर फर्स्ट टाइमर्स लाइक अस इक्विपमेंट और गियर बहुत जरूरी है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू मस्ट हैव बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन विंटर गेम्स। एक जगह ये सीट द लकी वन, इस पे कौन बैठेगा? इस ट्रिप पे मेरे बचपन के दोस्तों के साथ साथ मेरी बहन और मेरी वाइफ भी हैं। यप, आई एम अ मैरिड मैन नाउ, बट दैट्स अ व्लॉग फॉर एन अदर डे। डे वन कीडी स्लोप पे हम सारे जा रहे हैं क्योंकि किसी को अभी नहीं आती। मैंने भी देखना है कि मैं पीछे जो स्लोप से उन पर जा सकता हूँ कि नहीं, बट फर्स्ट अ वार्म अप ऑन द कीडी स्लोप। शाबा बहना शाबा, आगे बढ़ो। तो किडी स्लोप पे गिरने के बाद मुझे लगा कि मैं इस स्लोप के लिए रेडी हूँ। इरफान भाई मेरे साथ हैं, साथ इंश्योरेंस लेके आए हैं, होपफुली इस बार सीख के जाएंगे यहाँ से। कोई नहीं, अभी देखते हैं ना क्या कर रहे हैं। बस ब्रेक मारनी आती है। कहते हैं मेरा नाम हमजा है और मैं स्नोबोर्ड करना पसंद करता हूँ, और जब भी हम यहाँ पे स्नोबोर्ड करने आते हैं हमें ज़बरदस्त किस्म के लोग मिलते हैं, इरफान भाई ऐसे। क्यों जी डॉक्टर स्टैंड बाय, डॉक्टर स्टैंड बाय नीचे। Thank you.
फाइनली एस एस साहब उठ गए हैं, 6 बजे से उठाना शुरू किया था, 8 बजे उठे हैं। गुड जॉब यार, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। मैं तो सोया 6 बजे था। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। किरी स्लोप पे जो है ना ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई टीम। आई जस्ट हैव टू ग्रैब माय बोर्ड, बाकी बॉयज नाश्ता खत्म कर रहे हैं एंड देन वी जॉइन देम, लेट्स गो। इस कंपटीशन के लिए फ्रांस से प्रोफेशनल स्नोबोर्डर्स की टीम भी आई है जूम कनेक्शन के नाम से, और वो आज हमें स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग लेसंस देगी। And then you come back and you move. It's quite tough life. Hello, I'm Victor, part of the Zoom Connection team as well. What's your name? Pika. And yours? Omar. Nice to meet you. We're gonna do the first Oli. So Oli, as we just learned. It was so great because it's just our third day that we are here, but it's so great. I entrusted you all. Hamza, what's the plan? The plan right now is till 10:30 we're gonna practice, make some turns, do some breaks. 10:30 organize down here with Pika, divide into groups. Yeah. Start picking up trash. New snow is coming, so we're gonna clean up the place. आधा घंटा हमें लगना चाहिए, हम काफी सारे लोग हैं और फिर हम यहाँ पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वापस फोटो वगैरह सारे लेते हैं, ठीक है। अब पश्तो में भी सुन लो, फिर फारसी करते हैं आपके लिए। अजान अल्फाज़ की राह खबर आ रहा। Oh, it's your first day skiing? Second day. Second day. Second day. For the second days? This is the first time I got a trainer. Oh, yeah. But what is good, so when you begin, is if you have a lot of motivation, you start and you go very, very fast. Yeah, he did very well. I'm happy to see him progress. Now he's sliding, going down, turning. Thank you. Subdued world, eh? Thank you, mate. First ride in the snowfall. दिन के एग्जॉस्टिंग प्रैक्टिसेस के बाद फाइनली वी मेड सम प्रोग्रेस एंड आई डिसाइडेड टू कम्पीट इन माई फर्स्ट एवर स्नोबोर्डिंग कॉम्पिटिशन। लेकिन थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना बाकी थी। स्लोप बंद हो तो गई थी लेकिन स्नो इतनी फिट पड़ रही थी, सो मी एंड द बॉयज गोना गो ट्रैक अप, क्योंकि वो बंद हो गए हैं चेयरलिफ्ट्स। सो ये बॉयज यहीं से जाएंगे और हम लोग थोड़ा ऊपर तक जाएंगे। नज़र आ रहा होगा इस वक्त वैसी किस्म की बर्फबारी हुई है और सारे रोड्स जाम है, जैसे कि ड्रोन में आपको नज़र आया है। एंड इट्स रियली डेंजरस टू गो डाउन दी स्लोप्स, गाड़ी शाड़ी लग जाती है। सो पीसी के अंदर जो है ना सारों को होस्ट कर रहे हैं, और भी इस वक्त लिटरली ऐसा लग रहा है सारी पूरी एक बड़ी फैमिली आई हुई है और ड्रम सर्कल के आए हुए एंटरटेन कर रहे हैं, रबाब सेशन चल रहे हैं, खाना लगा हुआ। आई डोंट नो इफ आप लोग सही सोचते हैं, इस वक्त बहुत तेज़ हवा है तो माइक जो है ना आवाज़ ख़राब कर देता है। उस वक्त से क्रैंकी था जब फ्री बुफे का सुना था, असद के मुंह पे स्माइल आ गई है। गुड मॉर्निंग, डे 3
स्नोफॉल अभी तक नहीं रुकी, पीछे गाड़ी जो है ना बिल्कुल जो है ना स्नो में कवर हो चुकी हुई है. वी ट्राइंग टू फिट द चेन्स क्योंकि हमने ऊपर जाना है और इन हालात में जो है देखिए ना इट्स स्लिपरी सो यू कांट रियली मेक इट. मालमजवा इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग कॉम्पिटिशन का ये दूसरा साल एंड इट्स अरेंज बाय विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और मैं इस साल पहली बार इसमें कम्पीट कर रहा हूँ. सो आई एम अ बिट नर्वस बट माई वाइफ वॉज काइंड एनफ टू ड्रॉप मी ऑफ एट द स्टार्टिंग लाइन. इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जीरो विजिबिलिटी है. The rules for the competition were simple. Go down the slope around the flags as fast as you can without hitting any flag. This is known as snowboard slalom and the person with the fastest time wins. Let me show you a demonstration. Obviously, मैं इनकी तरह एक्सपर्ट तो नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ दो दिन में प्रैक्टिस करते हुए बट आई वॉज लकी इनफ टू मेक इट डाउन इन वन पीस. तो इवेंट काफी अच्छा सक्सेसफुल गया हमारा और होपफुली वी सी गुड इवेंट्स कमिंग अप इन फ्यूचर इंशाल्लाह. मालमजवा स्नो एंड स्की फेस्टिवल इज कमिंग अप वेरी सून एंड इंशाल्लाह वी विल हैविंग सम अदर स्प्रिंग फेस्टिवल इन मार्च एंड अप्रैल. इरफान भाई के साथ लास्ट रन ऑफ द डे, इसके बाद मैं वापस जा रहा हूं लाहौर. Gonna miss this. بخير بخير يا خانوم. It's Hasham here. Hasham Abud. Yeah, I saw you snowboarding in Malamjoba. I was going through your stories, and I think you were making some sick turns. And we're having this winter sports festival called the Hindu Kush Snow Sports Festival in Chatral. And I'm pretty sure you've met the French team in Malamjoba. Pika and his friends, they're also coming, so why don't you come along? We're doing some slip boarding and ski touring, so let me know if you want to come. I can set it up for you. Adventure bhi baki hai mere dost, but sadly my friends had to go back kyunki unki sirf 3 din ki chutti thi, and I joined the others along with the French team in Chatral Madaklash for the Hindu Kush Winter Festival. See you all there. गुड मॉर्निंग फ्राम द्रोश नगोर. यहाँ पे हम सारे जो है इकट्ठे हो गए हैं, तैयार हो रहे हैं एंड अब यहाँ से हम जा रहे हैं मदकलश्त जो कि 3 घंटे का सफ़र है. वैसे 45 किलोमीटर्स है लेकिन रोडें वैशी किस्म की जो है ना एडवेंचरस है. सो यहाँ से हम सारे निकल रहे हैं और फिर हम उधर ही रहेंगे और आगे फिर फ्लूइड प्लान है. सो लेट्स गो. सो ये हशाम उल मुल्क है ये और मैं और ये जो है 2008 में साथ डिबेट्स करते थे. डिबेट्स आती नहीं थी, मैं वहाँ पे जाके आर्म रेसलिंग कर रहा था, ये चेयर बने फिरते थे. अब जो है ना यहाँ पे पता चलेगा कि जी फिफ्थ इन लाइन है, प्रिंस है यहाँ पे ये जी. व्हाट वी स्टार्टेड 4 years ago, टुडे वी गॉट अ ग्रुप फ्रॉम फ्रांस हियर, वी गॉट अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड एंड कंडक्टिंग अ फेस्टिवल फॉर मडगलश्त. Where skiing was introduced in the 1930s, early 1930s. So we're trying and supporting the community
लोकल एथलीट्स हम डेवलप कर रहे हैं और द हिंदू कुश स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज़ बेसिकली अ मॉडल ऑफ अ विंटर स्पोर्ट्स इवेंट दैट वी हैव कम अप विद दैट वी कैन कंडक्ट इन एनी रूरल एरिया दैट हैज़ very little tourism infrastructure as well. Wo sab to theek hai, garam pani aayega ki nahi udhar? Thank you. Vamanos. हमें लोकल टैलेंट यहाँ नज़र आ गया है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कम्पीट कर रहे हैं आप लोग? कंपटीशन में सेल हो गए? जबरदस्त। ओह, वुडन स्कीज हैं? जबरदस्त। इज दिस वेयर यू आर स्टेइंग? अपेरेंटली। नाइस। अनलाइक मालम जबा जहाँ पे हम होटल्स में रह रहे थे, चित्राल मध्यकलश में हम लोकल्स के घरों में रहेंगे और इस घर में हमें 3 कमरे अलॉट किए गए और हमारी टीम में टोटल 20 लोग हैं प्लस आर लगेज, सो यू डू द मैथ। और जहां मालम जबा में एक प्रोफेशनल वेल ग्रूम्ड स्लोप थी, यहां पे पोटेटो फील्ड्स में स्लोप्स बनाई गई हैं। यहां पे इक्विपमेंट और रिसोर्स की कमी ज़रूर होगी, बट द लोकल्स मेक इट अप फॉर इट विद देयर पैशन। सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वील बी लिविंग इन दीज हाउसेज, प्रैक्टिसिंग ऑन द पोटेटो फील्ड्स विद द लोकल एथलीट्स while the management prepares for the Hindu Kush Snow Sports Festival 2021. Samir bhai, headquarters kahan hai hamara? Bro, ye hamara headquarters hai Asil jo forward college private college. Ye hamare jo hai 4-5 kamre niche hain aur ek humne store banaya hai upar. Special thanks to Zom Connection who brought a lot of equipment for the local athletes all the way from France. And starting tomorrow, they'll be giving avalanche training and skiing and snowboarding lessons to the locals. But tonight, we celebrate. Good afternoon. Yeah, good morning. Good morning. Good morning from the slopes.
शुएब जो है ना इस वक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को और मैं देख रहा हूँ फिल्मिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आसान काम ही है, नीचे से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है बार बार। उम्र दो रन भी मार के आ गए पसीने आ गए शुएब को फुल ऑन। हेलो, माय नेम इज विक्टर लावे, आई एम अ प्रोफेशनल स्नोबोर्डर फ्रॉम फ्रांस। हियर वी आर, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन मराकेश विद ऑल द लोकल्स। वी केम हियर विद अ ज़ूम कनेक्शन, वी ब्रॉट सम गियर, वी टीच द किड्स हाउ टू स्नोबोर्ड, स्की, शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस, giving gear, and we get a lot of smiles back and friendship back from all those good times here. Zindabad! Zoom Connection! Zindabad! इस ट्रिप आने से पहले मैंने Zoom Connection की टीम मेंबर्स पर थोड़ी सी रिसर्च की, only to find out that these guys are legends back home. Still learning. Let me properly introduce you to the team, their work, and some of their accomplishments. Elias is a 30-year-old mountain guide from France, who's a top-level alpinist and an extreme skier. He has also been awarded with the Golden Ice Axe, which is equivalent of an Oscar in the world of mountaineering. He was also in the movie Zabardast, which was shot in the Karakoram range of Pakistan. You must check it out. Matthew, who's also known as Meme, is a rock and ice climber from France, who also does paragliding and ski touring. And he was also in the documentary known as The Pathan Project, shot in Pakistan. He is also a two-time French ski mountaineering champion. Julian Harry, also known as Pika, is a legendary freerider and splitboard alpinist who has done dozens of first descents in the Alps and Himalaya. He is also the founder of Zoom Connection and is in the movie Earn Your Turn, directed by Arthur Jelinek. Victor is a freestyle professional snowboarder from France. He is also in the documentary known as The Eternal Beauty of Snowboarding. And if you have just started snowboarding, you must check this documentary out. It will make you fall in love with it. Papi is a mountain biker from France who also does skiing, paragliding and speed skiing, which is basically paragliding while skiing. These guys are the best athletes I've ever met, and their friendship has been bonded over snowboarding and skiing. And they're all here with one mission: to help build the snowboarding and skiing community in Pakistan. Hopefully, by the end of this trip, I'll be able to snowboard just like them. स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग आप सिर्फ कंपीट करने के लिए नहीं करते, आप स्प्लिट बोर्ड्स और स्कीज के साथ एक्सप्लोर भी कर सकते हो। दिस इज नोन एज बैक कंट्री टूरिंग, और आज का मिशन भी कुछ यही है, टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल माउंटेंस ऑफ मराकेश। सो वी ऑल वोक अप एट 6 AM व्हाइल द एंटायर विलेज वाज स्टिल अस्लीप। ये ट्रैक 6 घंटे का है, हमें भी चलना शुरू हुए हैं। पीछे आपको नजर आ रहा होगा गांव रह गया, जस्ट क्रॉस द रिवर। विक्टर इज बिहाइंड मी, ही बी गाइडिंग मी थ्रू द वे। मुझे स्कीज अलाउ नहीं की उन्होंने, कहते हैं अभी यू नीड टू लर्न सम मोर टू क्लाइम ऑन दिस, सो हियर आई एम क्लाइंबिंग। इट्स माय गाइड फॉर द डे, who's leaving me behind. One way to do it. ये एंड पे जो है उमर खान आ रहे हैं, आज सुबह 6 बजे उठकर फ्रेंड टीम के साथ ऊपर से स्कीइंग करने की हिम्मत की है, होप सो वो कर लें। सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम एवर ट्रैकिंग ऑन स्नो, और आप जितना डीप जाते हो बैक कंट्री में उतनी ही स्नो सॉफ्ट होती जाती है, एंड इफ यू आर नॉट वेयरिंग स्कीज और स्प्लिट बोर्ड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अप विद द रेस्ट ऑफ द टीम, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट टू गो एज फार एज पॉसिबल ऑन फुट। क्विक टिप फॉर एवरीवन,
हम सबके ये मसले, हम सुबह ट्रैकिंग के लिए उठते हैं तो बेड गर्म होता है और बाहर ठंडा मौसम होता है, तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा लेयर्स पहन लेते हैं कॉम्पनसेट करने के लिए। और जब हम ट्रैक पे जाते हैं तो फिर पसीना निकलता है जैसे अभी आप नज़र आ रहा है, तो फिर आपको लेयर्स उतारने पड़ जाते हैं और बैग में रखना पड़ जाता है। सो जब सुबह उठे थोड़ी सर्दी बर्दाश्त करें, सिर्फ एक जैकेट पहने, नीचे शर्ट या थर्मल, दैट्स इट। आपको आसानी होगी, यू विल बी लाइटर टू ट्रैक एंड आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। Tip from Yohano Baba. So Elias, where you are coming from, man? Where you are going? From Malaklash. Okay. And we are heading up on a very beautiful valley. Okay. With all the crew. You can speak in French too. Ah, tu parles en français. Salut Natasha. Bisous d'amour. Okay. And Victor, how is going? Oh, good, my friend. It's going the Malaklash backcountry. Okay. With some beautiful faces, nice glacier. Okay. And I'm pretty sure we're gonna find some pattern. Yoo! Okay. एक और टिप, जब आप वॉक कर ट्रैकर के ऊपर आ रहे हो तो मंजिल को ना देखो, क्योंकि आप देखते हो तो कहते यही नहीं होगा। Just keep taking tiny steps and before you know it, इतना ज़्यादा रास्ता आपने कवर कर लिया। अब जाने लगा ब्रेक। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि आगे जाके स्नो और भी सॉफ्ट और डीप होती जा रही थी, सो आई हैड टू स्टॉप एंड टर्न बैक, क्योंकि बगैर स्कीज़ के ये ट्रैक आगे जाके कंप्लीट करना नामुमकिन था। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट मेमे एंड विक्टर हैड देयर गोप्रोज ऑन, so that you can really enjoy what backcountry snowboarding and skiing is all about. लौट के बुद्धू घर को चले, जितना हमारी स्ट्रेंथ थी, जितने हमारे वो कैलिबर था, उसके हिसाब से हमने काफ़ी कर लिया, लेकिन इसमें हमारी कोई हार नहीं है। आपको अपना पता होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको जाए, वरना बहुत ऊपर बंदा जाए तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस। और नीचे जो है ना फेस्टिवल की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, गो एंड प्रैक्टिस सम स्नोबोर्ड्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। Here we are, my friends, in Malaklash for the snowboard competition, final day, and I'm about to test the course for all the friends here, the locals from Malaklash. Let's go fast, baby! Let's go, boys!
हम सब की मेहनत रंग लाई एंड आफ्टर सिक्स डेज ऑफ प्रेपरेशंस द हिंदू कुश स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 वॉज अ सक्सेस एंड दैट टू विद लिमिटेड रिसोर्सेज लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा था वी ऑल मेक अप फॉर द लैक ऑफ रिसोर्सेज विद आवर पैशन फॉर द स्पोर्ट दीज आर सम ऑफ द पीपल हु आर हेल्पिंग डेवलप विंटर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान so that someday the local athletes from Madaklasht can compete in international events like the Olympics. And that's where I'm headed next, to Naltar Skiing Resort, where our Pakistani athletes are training for the upcoming Winter Olympics. The future of winter sports athletes look bright after all. Thank you, Madaklasht! Yeah! Initially, PF that Naltar was a concept so that the fighter pilots of Pakistan Air Force, they can get the training of snow survival and mountain survival. Initially, the courses were conducted here for the pilots only. The pioneer of PF that Naltar is Mr. Shah Khan, who was captain then, and he was then again retired as a group captain, being a base commander of Kalabagh and also he is the person who established PF Tet Naltar. Initially, it was his idea that he initiated skiing in the courses of survival. The locals here were already skiing, but they were using the wooden skis. When the Pakistan Air Force came here, they introduced the modern equipment. With introduction of modern equipment, the locals, they became eager to learn ski, and this is how a ski as a sport was introduced in Pakistan. After some years, Pakistan Air Force gave the equipment to the locals, so we got a talent from the local guy, and there was a school established here which is named as Shah Khan Ski School. The basic purpose of this school is to select some guys with the potential and to train them so they can get jobs in different organizations on the base of ski. They can get the scholarship from different universities on the basis of ski, and eventually we can produce some Olympians from these guys. Examples are, we have a first Olympian of Pakistan, that is Mr. Abbas. He has represented Pakistan in the first ever Olympic Games from Pakistan, and now we have a running horse, he's Kareem. He has represented Pakistan in two of the Olympics, and we are hopeful that he will qualify for the upcoming Olympic of Beijing.
Our skiing team has come a long way since the time Muhammad Abbas used wooden skis as a kid. And now the Winter Sports Federation of Pakistan is helping develop ice skating and snowboarding in Pakistan. Hello, my name is Theodoros Patelidis. I come from Greece. I used to be an alpine skier. I played 3 years professionally ice hockey for my college team back in Greece as a defenseman. This year is my first time in Pakistan. They're doing a really great job with the ice rink. They designed it from the top, from the scratch. We came here first year to promote and build the basics for hockey development here in Altar. We have at the moment 3 teams training. Hunza team, which are terrific guys already. We have the GP Scout team and the local ski school of Naltar team. We're training a lot of hours. We're putting a lot of effort. Hopefully 20 days I'm here. When I'm gone, we are at such a level, and next year we can progress even more. The yeah, Vakil bhai is a national gold medalist. और इस बार 2021 में इनका थर्ड ब्रॉन्ज आया था एक रन में और दूसरा था कौन सा पैरेलल में फर्स्ट गोल्ड मेडल और ये वकील भाई के नाम से जो है ना फेमस है जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि विंटर स्पोर्ट्स की पाकिस्तान में क्या अहमियत है और आप सब लोग की तरह मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे एथलीट्स ने किस लेवल पर अकॉम्पलिशमेंट्स हासिल की हैं बट एज द ट्रिप कम्स टू एन एंड आई हैव अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट for winter sports in Pakistan and the athletes that this sport has given us. And most importantly, the friends that I made along the way. I wish I had met one more person on this trip and we had become good friends. But sadly, just like all of you, I didn't know about him until he became a legend. स्कीइंग की दुनिया में जब हम माउंटेन में होते हैं बिलखसूस विंटर्स में ना तो ऐसी कोई जगह मिलती है ना समझो हम समझते हैं कि F6 में जगह मिल गई जी निकल जाता हूँ रास्ता देखने और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है अचानक मेरा जो है जिसमें एक झटका सा महसूस होता है और मैं अपना आप को कहता हूँ कि तुम किधर खड़े उस वक्त मेरा सेंस वो वापस आ जाता है This year I feel oof. If we have no chance to go mountain, I don't know what happens. Yeah, it's feel too much worry. थैंक यू 5 फरवरी 2021 को मैं नलतर में था जब मुझे अली भाई की लापता होने की खबर मिली माउंटेनियरिंग की दुनिया में अली भाई को सब उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स की वजह से जानते थे लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उनके जाने के बाद बाकी सब लोगों ने उनकी कदर करना शुरू कर दी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एथलीट्स जो अभी हमारे साथ हैं उन्हें वो रिकग्निशन मिले जो वो डिज़र्व करते हैं
and let's celebrate our legends while they're still with us. Take care. Allah Hafiz.